देखो आज के दिन राजनीति में रोला ये है भाई कौन क्या, कोई किसी को बना दे कोई किसी को बना दे। उसके बाद मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव लड़ूँ मैं इस बार। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते हाईकमांड को मानती हूँ। बैलेंस नहीं होगा तो दिक्कत आती है, किसी भी पार्टी में दिक्कत आ जाती है। मैडम, जो आपके कार्यकर्ता है आगे वो भी आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेगी? वैसे आपने कहा था उकलाना आपकी प्राथमिकता रहेगी। देखो आज के दिन राजनीति में रोला ये है भाई कौन क्या, कोई किसी को बना दे कोई किसी को बना दे, ये सब चीज़ें चलती हैं। फैसला हाईकमांड करता है चुनाव के बाद। मैंने ये ज़रूर कहा कि पहले लोकसभा चुनाव आएगा और हाईकमांड जो आदेश करे तो वो लोकसभा चुनाव। उसके बाद मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव लड़ूँ मैं इस बार, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं तो राज्य में भी एज पीसीसी प्रेसिडेंट भी सब जगह गए, लोगों का बहुत प्यार मिला है और अब राज्य में भी कुछ सेवाएँ देनी चाहिए, तो मेरी इच्छा है। बाकी फैसला, आखिरी फैसला तो हाईकमांड का होता है। मैडम, हरियाणा की बीजेपी की सरकार, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते हाईकमांड को मानती हूँ जी। तो अगर हरियाणा सरकार की बात की जाए बीजेपी की, तो आजकल जो अनिल विज है गृह, इसका स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं देख रहे, आपस में इनमें मतभेद हो गए हैं सरकार के लोगों के बीच। मतभेद इस सरकार में पहले से ही थे और सरकार कभी ढंग से चली नहीं। आपस में ना इनके MLA खुश ना इनके मंत्री खुश, और जब ये बात हो जाती है सरकार बिल्कुल ही खत्म हो चुकी, प्रशासन नाम की चीज़ नहीं, सरकार नाम की चीज़ नहीं, तो कैसे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? कुछ काम नहीं और नहीं, सरकार को चला कौन रहा है? अफसर चला रहे हैं। मैडम, अंतिम सवाल, जो एक लिस्ट कब तक आ जाएगी, जो कौन सी कांग्रेस की जो भी, उस पर हम उम्मीद करते हैं कि सबसे मिल बैठ कर जो फैसला हो, सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पहचान मिले। ये बहुत समय हो गया है तो ढंग से हो, लेकिन सबके साथ मिल बैठकर बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस नहीं होगा तो दिक्कत आती है, किसी भी पार्टी में दिक्कत आ जाती है जी। ये थे कुमारी शैलजा, इनका स्पष्ट तौर से कहना था कि जो अभी कांग्रेस की लिस्ट है उसको लेकर अभी विचार चल रहा है, जल्द ही वो आएगी। और साथ के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो हरियाणा की जो बीजेपी JJP सरकार है इससे लोग संतुष्ट नहीं है।